तो लो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि आप लोग कैसे टूलबीज में आप लोग फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना औसम तरीके से मैं किया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टूलबीज में एप्लीकेशन के पहले आपका सिंपल फ़ोटो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारा ओरिजिनल फोटो है, इसको मैं लेके चलता है टूलबीज में एप्लीकेशन में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक फटाफट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा समय लगता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तो एक लाइक या एक सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आ गए आप टूलबीज वाले एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है? तो क्या करना होगा, फर्स्ट में दिखेगा टूल्स, ठीक है? टूल्स आइकन वाला दिखेगा, एंड यहाँ पर ढेर सा ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग को मालूम नहीं चल रहा था मैं क्या क्या करूँ, ठीक है, कैसे कैसे मैं फ़ोटो एडिट करूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर होगा लेयर, लेयर पर क्लिक कीजिएगा, एंड यहाँ पर होगा प्लस आइकन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गैलरी में आने के बाद यहाँ ब्लू वाला ऑप्शन हो जाएगा, उस पर क्लिक करना होगा। एंड इसको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा, एंड इसको देख देखे फ्रेंड्स, ये वाला फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना होगा। देखे फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना होगा, एंड इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितना सम तरीका से मेरा हो गया। ऊपर होगा एडिट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, एंड क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स? एंड आपने सिर्फ बैकग्राउंड पर अप्लाई करना है, ठीक है, अच्छे से करना है फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा सा गलती हो जाएगा था फ्रेंड्स, छोटा भाई समझ के माफ़ कर लीजिएगा। इसको डन कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। और डन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, फिर से जाने के बाद यहाँ पर होगा इफेक्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, एंड शुभ समूझ उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करते ही फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा फिफ्थ ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। और करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार का, तो उसको नहीं कुछ करना है, एंड इस पर क्लिक करना है मार्क्स पर, ठीक है, एंड क्लियर कर देना है, एंड अपने सिर्फ हेयर पर अप्लाई करना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसको डन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा फोटो है ना फ्रेंड्स, फोटो का हेयर वो देखिए फ्रेंड्स, एकदम मस्त तरीका से लग रहा है। एंड अब क्या करना होगा, इफेक्ट लॉस आने के बाद यहाँ पर होगा, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, इस लॉस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं पानी लिखा गया, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बूंदा में हो गया। तो आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, कितना असम तरीके से लग रहा है। तो इसको ब्लर ज़्यादा कर सकते हैं, एंड इसको कम कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको कुछ नहीं करना होगा, आपको मर्जी, ये करना है चाहे नहीं करना है आपको मर्ज़ी, ठीक है, इसको मैं नहीं करता हूँ। एंड इधर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इधर क्लिक कीजिएगा तो फोटोग्राफी लिखा होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होगा फ्रेंड्स लेंस, ठीक है फ्रेंड्स, लेंस ब्लर, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, एंड इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, एंड इधर कर लेना है फ्रेंड्स, इसको छोटा कर लेना है, एंड इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करना होगा, सेटिंग पर जाने के बाद इसको क्या करना होगा, 25 रख लीजिएगा, इसको डन कर लीजिएगा। और डन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो है फ्रेंड्स, ब्लैक हो गया, मतलब कि ब्लर हो गया। तो इसको क्या करना होगा, इस पर जाने के बाद इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो फिर से जाना है टेक्स्ट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर लिखना होगा टेक्स्ट, ठीक है, आपको लिखना है कुछ, तो आप अभी मैं दिखा दे रहा हूँ लिखकर। तो लिखना है, मेरा तो नाम है डेस्क एडिटर, तो मैं डेस्क एडिटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद देखे पास इस प्रकार का हो जाएगा, तो इस इधर लगा सकते हैं, एंड इधर लगा सकते हैं, तो मैं इधर लगा दिया, तो देखिए फ्रेंड्स कितना असम तरीका से मेरा लग रहा है, ठीक है। तो नीचे फिल्टर भी दिया हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, तो इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद अब क्या करना होगा, फिल्म होगा लिखा, ठीक है, फिल्म होगा लिखा,
एंड इसको क्लिक करना है। ठीक फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा लिखने वाला। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे तो मैं अभी सिखा रहा हूँ टूलविज मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोग कैसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, टूलविज ऐप, इसको टर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर मेरा लिखा गया। तो ये हो गया फिल्म जैसा। फिल्म का आप लोग देख सकते हैं, इतना ही रेशियो रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना ही रेशियो रहता है। तो इसको बैक कर लेते हैं, ये मेरा नहीं करना है। आपका करना होगा इनहेंस पर क्लिक करना है एंड ऑटो पर क्लिक करना होगा। ऑटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना आसान तरीके से मेरा लग रहा है फोटो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो भी पसंद आए वो वाला क्लिक कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये वाला पसंद आया, ये वाला में थोड़ा सा फोटो गोरा हो गया। ठीक है, इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं HDR। ठीक है, HDR पर क्लिक करना होगा तो आप लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीके से लग रहा है HDR। ठीक है, तो मुझे तो ये वाला पसंद आया। ठीक है, तो इसको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद यहाँ आप लोग का कलर एंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स कितना आसान तरीके से लग रहा है। तो मेरा फोटो फ्रेंड्स पूरा एकदम सादा हो गया, यानी ब्लैक हो गया। ठीक है, तो क्या करना होगा अब इसको सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करना है, यहाँ पर होगा सेव लिखा, उस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स अब दिखा दे रहा हूँ कैसा फ़ोटो एडिट हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऐसा फ़ोटो एडिट होकर तैयार हो गया लग रहा है फ्रेंड्स बहुत तरीके से। तो फ्रेंड्स मिलते फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए बाय बाय, टाटा एंड लेविजन। आपका भाई को सपोर्ट जान भाई, 400 कमिंग सुने भाई, पहुंचा दो 400। ठीक है, तो भाई को सपोर्ट सपोर्ट जान। ठीक है, बहुत बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू जान।